हेलो अभिमान स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे एमएलसी के टीम्स के ऊपर क्या होंगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस साथ साथ में कब खेला जाएगा ये टूर्नामेंट कौन से होंगे वेन्यूज कहाँ पे हुई स्ट्रीमिंग सबकी सब, सब चीजें जो आपको जरूरी है जानना बिफोर द टूर्नामेंट बिगिन ताकि आपको फैंटेसी वैल्यू में एज मिल जाए जब दूसरों को ये भी ना पता हो कि कौन सी इलेवन आएगी पर उसके पहले आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन 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 से 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 हैं हैं इस में को वाली किसप्लोयर कर सकती है सो एंड ऑफ रिमेंबर टू सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन एंड लाइक ऑलवेज हिट द लाइक बटन सो फर्स्ट आप लेट स्टार्ट एंड खेला जाएगा टूर्नामेंट एंड कितने गेम्स एंड ऑल ऑफ डिटेल्स सो नावी लुक एट द एमएलसी स्क्वाड्स एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड लॉर्ड्स मो होंगे छह टीम इस टूर्नामेंट में वॉशिंगटन फ्रीडम लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स टीम टेक्सिस सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क विच यू ऑल्सो नो एज एम आई न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिसको यूनिकॉन एंड सियाट लॉकर्स ये होंगे छह टीम इस टूर्नामेंट में बहुत ही धुआदार टूर्नामेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे विदॉर्ट इंट्रो टू द लीग वॉट वी कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट टूर्नामेंट खेला जाएगा बिटवीन जुलाई 30 जुलाई 13 टू 30 19 मैचेस टू बी प्लेड याद रखिएगा सारे मैचेस खेले जाएंगे एट डैलिस एंड मॉरिसविल उसके अलावा ये जो स्टेडियम है एक बेसबॉल स्टेडियम था डैलिस का अब कन्वर्ट किया गया है इनटू अ क्रिकेट स्टेडियम विद अ क्ले पिच उसके अलावा 6 ओवरसീസ് प्लेइंग 11 में अलाउड होंगे आपको खिलाड़ी एंड राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा ईच टीम खेलेगी दूसरे को एक बार स्ट्रीमिंग होगी इस टूर्नामेंट की ऑन जियो सिनेमा इन इंडिया एंड मैचेस होंगे टू ए एम थ्री एम सिक्स ए एम एंड इलेवन पी एम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाइल ये एक अनकनवेंशनल टाइमिंग है टू व्यू द गेम आप अपने लीग थोड़े जल्दी ज्वाइन कर सकते हो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो टू या थ्री है टीम फाइनल एडिट करने नहीं उठेंगे तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें क्योंकि यही पे आपको मिलेगा फैंटेसी में एक एज और एक एडवांटेज बिकॉज आपका लक आपको कहां से बैलेंस करके दे सकता है सिर्फ आपकी टेक्निक एंड जो आप इन छोटी बातों में आगे रहो तो ये रहा छोटा सा इंट्रो टू द लीग अब चलते हैं स्ट्रेट टू तो द एम आई न्यूयॉर्क एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन उसके पहले तो स्क्वाड यू कैन सी यहाँ पे नाइन पावर पैक्ड ओवरसीज प्लेयर्स एंड उसके अलावा कुछ टॉप लोकल टैलेंट्स है इस स्पेसिफिक टीम में पहले हम चलते हैं फर्स्ट पे होंगे इस टीम में स्टीवन टेलर, जो एक टॉप खिलाड़ी है यूएसए के लिए जो पहला हंड्रेड जिन्होंने मारा था डोमेस्टिकली वो थे स्टीवन टेलर। उसके अलावा मोनांग पटेल जो एक रेगुलर है कीपिंग सेक्शन में फॉर द यूएसए टीम फिर चले आगे के प्लेयर्स की तरफ अब याद रखिएगा इस जो टीम में काफी सारे फिनिशिंग रोल वाले खिलाड़ी हैं चाहे आप यहां पे पुरान की बात करो या आप टिम डेविड की बात करो या आप कायरन पोलार्ड की बात करो तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने को कि क्या डुएल ब्रुएस को यहाँ पे एक स्टार्टिंग स्पॉट मिलता है बट मेरे हिसाब से देव। स्टार्ट विद 11 एंड बाद में होंगे कुछ चेंजेस इफ रिक्वायर्ड तो हेंस अभी के लिए मैंने यहाँ पे इन किया निकलिस पुरान को एज वो पहले खेल चुके हैं आईपीएल में टॉप ऑर्डर में उसके बाद टिम डेविड अब याद रखिए ये एक नंबर हायर है फॉर मोस्ट ऑफ दिस बैटर्स बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अपने टॉप क्वालिटी को पहला भेजना चाहेंगे एज उनके जो दोनों ओपनर्स है वो ऑलरेडी लोकल ओपनर्स है उसके अलावा यहाँ पे कायरन पोलार्ड जो होंगे कैप्टन इस टीम के मुंबई की टीम के लिए थे वो बैटिंग कोच यहाँ पे आपको देखेंगे कैप्टनसी के रोल में हमार आजम जो खेल चुके हैं वो पेशावर जालमी एंड फॉर पाकिस्तान कुछ गेम्स एंड अब हो गए हैं लोकल यूएसए प्लेयर अब हो सकता है कि ये इनको थोड़ा ऊपर भेजा जाए टू पुश द फिनिशर्स वन नंबर डाउन बट फिर इंटरनेशनल क्वालिटी टॉप ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी हेंड्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी ये थोड़ा सा लो आए उसके बाद होंगे राशिद खान हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन याद रखिए कि इनकी एक सीरीज है अगेंस्ट बांग्लादेश सो पॉसिबल कि इनके कुछ अवेलेबिलिटी इश्यूज हो वो केस में डेविड बीसा इज लाइकली टू टेक द स्लॉट ऐसा आदिल हु इज नोन फॉर मूवमेंट अप फ्रंट एंड पाकिस्तान के लिए ये भी खेल चुके हैं टेस्ट मैचेस में जाने जाते हैं अपने ही तो इलेवन इन ऑल गेम्स फॉर यूएसए सो एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उसके अलावा कगीज और अबाडा अब हो सकता है ये बैटर बोलर्स का जो बैटिंग नंबर हो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा एंड ट्रेंड बोल्ड अब एक जो आपको ग्लैरिंग वीकनेस दिखेगी यहाँ पे वो है कि इनके पास कोई स्पेशलिस्ट डेथ बोलर नहीं है उसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ने नेक्स्ट सेक्शन आपके पास और कौन से ऑप्शन है डेविल ब्रोस जैसे मैंने मैंशन किया डेविड बीसर जो एक डेथ ऑप्शन बन सकते हैं एंड जेसन बेरेंड ऑफ का जो रोल है रबाडा एंड बोल्ट जैसे काफी सिमिलर है कि तीन ओवर आके पावर प्ले में डाल दिए तो वो हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ही शुड स्टार्ट एज वी नो रबाडा एंड बोल्ट भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक आध ओवर ही डालते हैं डेथ में दे आर नॉट नोन फॉर देयर डेथ बोलिंग तो आप देखते हैं क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है इस स्पेसिफिक टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो टॉप क्वालिटी फिनिशर्स एंड हाई स्ट्राइक रेट बैटर्स ये सारे ऐसे खिलाड़ी है कि एक दिन पे जो भी चल गया आपको पूरा गेम जिता के जाएगा बेस्ट लोकल टैलेंट दिस टीम है टॉप लोकल टैलेंट चाहे जो हो इम्पोर्ट्स हमारा आजम एहसान आदिल या इनके जो लोकल प्लेयर्स हो मोनांग पटेल कैनिंग जी एंड स्टीवन टेलर ये टॉप लोकल टैलेंट्स है उसके अलावा सरबजीत लाडा जो आईपीएल खेल चुके हैं पहले शयान जहांगीर जो रिसेंटली हंड्रेड के आ रहे हैं काइल फिलिप में भी इनकी अवेलेबिलिटी का कुछ इशू हो तो एक इंटरनेशनल क्वालिटी अटैक है इनके पास इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शन रबाडा बोल्ट एंड राशिद जिन तीनों का खेलना ऑलमोस्ट यहाँ पे सर्टेन है तो बारह आपके पास ऐसे ओवर्स है जो हर टीम फियर करेगी बट वीकनेसेस की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर जो है फुल ऑफ इन्फोसिस है ये सारे ऐसे बैटर्स है जो हाई स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं बट जोदन एकाध अर्ली विकेट गिर जाए क्या वो अर्ली आके उस इनिंग्स को स्टेबलाइज कर पाएंगे वो एक ही क्वेश्चन रहेगा ज्यादातर वो उस रोल में नहीं खेलते तो वो वो एक एक जो मिडिल ऑर्डर स्टेबल बैटर है है इस टीम में से मिसिंग एंड डेथ बहुत बड़ा कंसर्न है जो आपके पास सारे इंटरनेशनल जो ऑप्शन है वो सारे फिफ्टींथ या सिक्स ओवर तक अपना कोटा खत्म कर देते हैं तो कौन सा होगा इनका डेथ बोलर ये होगा एक ही एंड मे बी आपको वो सेक्शन से मिल जाएगा कोई पंट पिक स्पेशली फ्रॉम द लोकल वाइल्ड कार्ड और द लोकल प्लेयर्स उसके अलावा जो कोचिंग स्टाफ है इनकी रॉबिन पीटरसन एज ए हेड कोच जो मुंबई के आस पास रहे, इर्द गिर्द रहे पहले लाशि मलिंगा जिन्हें आप सब जानते हो एज द रियल डेथ बोलर क्या पता हुआ कि खेल जाए कुछ गेम्स जस्ट ऑन लाइट नोट जे अरुण कुमार एज बैटिंग कोच एंड जेम्सिंग कोच सो दैट समय न्यूयॉर्क समॉप टैलेंट इन द नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टीम माई फेवरेट फ्रेंचाइज द सुपर किंग्स एंड हियर वी है टेक्सिस सुपर किंग्स नॉट चेन्नाई अब क्या है स्क्वाड की खासियत वो एज यूजल काफी सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि क्या होगी एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली दिस टीम विल बी लेड बाय द बीड बाई डुप्लेसी आप सब जानते ही हो कि ये इनके कैप्टन रहेंगे बैक इन येलो एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कॉन्वेंट डुप्लेसी विल ओपन इन दोनों के स्पॉट्स ऑलमोस्ट सर्टेन है अनलेस इंजरी अवेलेबिलिटी इशू हो उसके बाद आप चलोगे तो यहाँ पे होंगे समी असलम अब ये एक स्पॉट है जहां पे रोटेशन हो सकती है मिलिंद कुमार जो डेली के डोमेस्टिक प्लेयर है ये भी एक काफी बढ़िया ऑप्शन है तो विल बी इंटरेस्टिंग टू तो सी हु इज फेवर्ड एज मिलिन कुमार थोड़ी ऑस्पिन भी डाल देते हैं फिर यहां पे मेरे नेक्स्ट ऑप्शन होंगे अंबती राइडो एंड डेविड मिलर आई थिंक ये टॉप क्वालिटी फिनिशर्स एंड आप देख रहे हो कि इस टीम में ऐसी प्रोग्रेशन है एट द टॉप यू हैव टू इनिंग्स बिल्डर्स समी असलम इज ऑल्सो वेरी स्टेबल प्लेयर एंड सो इज मिलिंद कुमार अगर वो खेलें वाल अंबती राइडो एंड डेविड मिलर में आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली एट वन प्लस खेल पाए साइ तेजा मुकमला अब ये थोड़े वैसे तो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं एंड ये एक इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी है बट यूएसए में इनका काफी रिकग्निशन है एंड इन्हें काफी माना जाता है ड्राफ्ट जो मैंने पूरा देखा वो वीडियो वहां पे भी इनकी काफी तारीफ की गई थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग इलेवन में तो खेलेंगे ही अब क्या नंबर होगा वो इंटरेस्टिंग होगा एज पॉसिबल ये भी है कि वो जाके नंबर फोर पर खेले एंड राइडू एंड मिलर एक नंबर नीचे आ जाए उसके बाद है मिच्य जो चेन्नई के लिए कम ही मौका मिलता है बट यहाँ मुझे लग रहा है कि सारे गेम्स खेलेंगे आज यही है है इनके मेन स्पिन ऑप्शन फिर आपके पास कैलविन पे लोकली काफी अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पेस ड्वेन ब्रावो इज बैक फ्रॉम बींग बोलिंग कोच ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स टू बी द टेक्सिस देंगे आपको एक मास्टर क्लास इन डेथ बोलिंग एंड बैटिंग से मुझे नहीं पता क्योंकि काफी समय बाद फील्ड पर उतर रहे हैं तो देखते हैं कि बैटिंग नंबर क्या होता है इनका कैमरन स्टीवन जो एक काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है यूएसए के लिए भी पहले खेल चुके हैं बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ फेवर्ड और सम अदर लोकल टैलेंट एंड उसके बाद होंगे रस्टी थेरोन जो साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल चुके चुके हैं अपनी डेथ बोलिंग के लिए जाने जाते हैं तो आपके पास कुछ काफी सॉलिड डेथ बोलिंग ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे तो आप समझते हैं कि क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है इस पर्टिकुलर टीम में तो स्ट्रेंथ की बात करें तो मोस्ट एक्सपीरियंस फॉरन सेट जैसे मैंने कहा इस टीम में बिल्डर्स भी है एंड फिनिशर्स भी है एंड आपके पास बैकअप भी ऐसा सैम्स एंड जेराल कोर्जी जी की आपको अगर अब टॉप एक और इन्फोर्सर लगे तो आपको वो भी मिल जाएगा बैटिंग डेप्थ है विद कैलविन सैविज एंड ड्वेन ब्रावो नंबर नाइन तक आपकी बैटिंग यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है एंड वन ऑफ द बेटर डेथ बोलिंग लाइनअ आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपका जो थर्टीन टू ट्वेंटी ओवर है वो ज्यादा सिक्योर लग रहा है देन योर पावर प्ले ओवर्स अनलेस एनटल आप एक रास्ता ढूंढ लो टू फिट जेराली इन द साइड वीकनेस ऑबलीज की नो स्पिन कोई भी ऐसा इंटरनेशनल या रिनाउंड ऑप्शन नहीं दिख रहा है मिलिंद कुमार लुक्स लाइक यर सेकेंड ऑप्शन विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट दैट सिक्स बोलर इज अ कंसर्न मुझे लग रहा है कि समी असलम और मिलिंद कुमार में एक बहुत टाइट फाइट होगी फॉर दैट नंबर थ्री स्पॉट एंड इफ दे वॉन्ट दिक्स बोलर देन दे माइट ऑफ फॉर मिलिंद कुमार उसके बाद चलते हैं कोचिंग स्टाफ की तरफ लाइक वी नो विद चेन्नई उन्हें पसंद है अपना कल्चर एंड अपनी स्टाफ सिमिलर रखना तो स्टीवन फ्लेमिंग होंगे हेड कोच एरिक असिस्टेंट कोच एरिकल जो जिनका रोल डिफाइंड नहीं है बट होंगे अराउंड द कोचिंग स्टाफ एंड रसिल होंगे टीम मैनेजर लक्ष्मी नारायण होंगे डेटा एनलिस्ट क्रेगरी काफी सिमिलर रोल्स है जैसे हम देखते हैं आई में वैसा ही कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट है अब चलते हैं अगली टीम की तरफ और अगर आप एक टेक्सिस फैन हो तो आप भी मुझे बता दो कमेंट्स में कि कौन होगा आपका खिलाड़ी हुई और वेटिंग टू वॉच फॉर मी इट्स बी मीट बैक इन येलो एंड आई एम एक्साइटेड टू टू सी व्हाट ही हैज ब्रिंग अबाउट आफ्टर सम वेरी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस्रीका टी ट्वेंटी में फॉर द अदर सुपर किंग्स इन जो अब चलते हैं लॉस एंजलीस नाइट राइडर्स के एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की तरफ यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे नाइट राइडर्स दि दिख रहे हैं

बट क्योंकि जिस टाइप के फॉरेनर्स हैं इनके पास मे बी उनकी स्टार्टिंग फर्स्ट फ्यू गेम्स में स्पॉट ना बने भास्कर यादरम या, अब यहाँ पे आपके पास एक टैलेंटेड राइट हैंड बैटर प्लस ये थोड़ी बहुत मीडियम पेज भी डाल देते हैं एंड मिडिल ऑर्डर में इनके पास ऑप्शन थोड़े से थोड़ी सी कमी है उनके पास वहां पे इन टर्म्स ऑफ लोकल ऑप्शन आई थिंक भास्कर यादराम विल फिट इन देर नीतीश कुमार जो कैनेडा के लिए खेल चुके हैं कुछ ऑफ स्पिन भी डालते हैं ये एंड काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी कनाडा के कुछ गेम्स देखे होंगे इन द लास्ट फ्यू इयर्स उन्होंने काफी इम्पैक्ट बनाया अभी आ गए यूएसए की तरफ फिर यहाँ पे जस्करण मल्होत्रा जिन्होंने सिक्स six सिक्सेस भी मारे हुए हैं वंस एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ पापा न्यूगेनिया तो आई थिंक इनका एक रोल बनेगा वहां पे एज अ फिनिशर एंड फिर आपके चहित एंड्रेड रसेल होपफुली इंजर ना हो एंड बहुत सारे छक्के आपको देखने को मिले इनके बैट से सुनील नारायण विच इज लेफ्ट बैटिंग एंड राइट आर्म ऑफ स्पिन यू हैव एन अनबीटेबल ऑलराउंड ट्रायो का लॉकी फर्गसन जिनकी पेस होगी एकदम वैल्यूबल एंड एकदम टॉप नॉच खिलाड़ी हैं आईपीएल में इनका रन नहीं बना बट आई थिंक यहाँ पे आपके इम्पैक्ट बना सकते हैं एडम जैम्पा में आपके पास है एक पोटेंट लेग स्पिनर जो वापस काफी इम्पैक्ट बना सकते हैं स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द लोकल टैलेंट ऑफ द यूएस बैटर्स

एंड इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो प्राइम लोकल प्लेयर्स नहीं है ना ये यूएसए के स्क्वाड के इनके पास कोई खास खिलाड़ी है एक्सेप्ट अली खान एंड ना ही कोई खास बैकअप ऑप्शन एंड रॉय का भी जैसे मैंने कहा एक इंजरी का कंसर्न है ऑब्वियसली इफ वी डज नॉट प्ले दार्टिन कप्टिल फिट स्ट्रेट इन टू दैट स्पेसिफिक स्लॉट तो ये हो गई लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बात एन एस फार एज इनकी कोचिंग स्टाफ है वो येट टू बी अनाउंस है अब तक इन्फॉर्म नहीं किया गया हमें क्या कोचिंग स्टाफ है इनकी तो वो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी बता दें हम आपको एट द रेट फैंटेसी नाउलेट गेट टू दीम्स वॉशिंगटन फ्रीडम लेट्स लुक एट दी एक्सपेक्टेड प्लेइंग यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सॉलिड स्क्वाड विज ऑफ द सर्किट विल स्टार्ट विद जॉर्ज फिलिपी एट द टॉप विथ मुख्तार अहमद जो पाकिस्तान के एक नॉन खिलाड़ी हैं फर्स्ट टॉप ऑर्डर गुड प्ले रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है जॉर्स फिलिपी वाइल थोड़े समय से नहीं खेले हैं बट ये भी जाने जाते हैं फॉर सम क्विक प्ले एट द टॉप ऑफ ऑर्डर सो वही एक्सपेक्ट करेंगे एंड्रेस गाउस एट वन डाउन वापस ये एक ओपनर है विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ये ओपनिंग करते हैं या मुख्तार अहमद बट एंड्रेस गाउस वापस एक साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में काफी नॉन खिलाड़ी हैं

बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल ऑप्शन है साद अली जो खेल चुके हैं इन द पी एस एल फॉर अ फ्यू टीम एंड विल कि इनका कहाँ पे रोल्स लॉटेन होता है कहाँ पे इन द फिनिशिंग ऑर्डर ही शुड कम अबाउट वाइल ओबस पाइनियर ठीक ठाक बैटिंग भी कर रहे हैं उसके अलावा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंप्रेसिव स्पिनर है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स में इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक रहा है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे एज अ लोकल प्लेयर स्टार्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट लॉट आएगा बिटवीन बनिंदू असर मैंने डाला हुआ। फिर चले आगे की स्कॉड की तरफ तो मार्को ये होंगे वेरी यूजफुल यहाँ पे आर एफ एम क्यू लिखा हुआ है पता नहीं बट इज राइट एंड बैटर एंड लेफ्ट आर्म पेसर उसके बाद है आपके पास अकील हु ठीक ठाक बैटिंग के साथ भी आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं उसके साथ साथ जो इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन है पावर प्ले में स्पेशली बहुत ही ज्यादा है एज बैटर बैटिंग को कंट्रोल करके रखते हैं उसके बाद है आपके पास सौरभ नेत्रवालकर जो यूएसए के लिए भी एक नामचीन खिलाड़ी है ये डालते हैं पावर प्ले में भी डेथ में भी एंड ये हो पोटेंट ऑप्शन इनके लिए सो एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट फॉर वॉशिंगटन फ्रीडम सो दैट इज द इलेवन उसके अलावा आपके पास कौन से क्वालिटी ऑप्शन है यहाँ पे बेंड वॉशिज लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन

तो पहले स्ट्रेंथ की तरफ देखिए तो इमेंस बोलिंग वैरायटी है इनके पास आप देखो तो एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑप्शन है एक लेग स्पिन ऑप्शन है एक पेस ऑप्शन है और एक स्विंग ऑप्शन है इनके पास तो हर काइंड ऑफ बोलिंग कंडीशन के लिए इनके पास एक इन्फोर्सर है बट वीकनेस ये है कि इनकी जो मिडल ऑर्डर है वहां पे इनके पास कोई भी इन्फोर्स नहीं है जो भी प्लेयर्स हैं शीट एंक शीट एंकर तो नहीं कहूंगा इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट बट एंकर्स हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जो जनरली 120 130 के ऊपर नहीं खेलते हैं लोकल बैटिंग भी एक कंसर्न होगी आपके लिए आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो करेंटली टॉप लेवल पे खेल रहा है एज वेल ये सब हाउस ओपन एंड माइनर क्रिकेट लीग में प्रैक्टिस करके आ चुके हैं बट यहाँ पे जो बोलिंग क्वालिटी होगी वो अलग काइंड ऑफ क्वालिटी होगी जब आप राशेद ध्रवाडा इनको फेस करोगे तो तब आपके पास मे भी वो वो स्पेसिफिकली होगा फिर चलते हैं यहाँ पे कोचिंग स्टाफ की तरफ तो ग्रेग शेपर्ड हो गए इनके हेड कोच एंड डेल स्टेन हो गए इनके बोलिंग कोच तो फॉर मी स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस टीम आपको वॉच आउट करना पड़ेगा उनके बोलिंग के लिए ये ऐसी टीम है जो 130 140 को डिफेंड कर जाए इस टाइप की बोलिंग है इनके पास तो so ये हो गई वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम नाउ लेट्स मूव टू दैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न उनकी एक्सपेक्टेड इलेवन आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पास मिक्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड टैलेंट है

फिर आपके पास अब आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे प्लेन का साइन क्यों नहीं है नेक्स्ट टू कोरिया एंडरसन ये भी अब लोकल प्लेयर बन चुके हैं एंड आई थिंक ये जो टॉप फोर है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ऑन एच डे एंड ये अब कोरिया एंडरसन से कि मैंने ये भी बात सुनी है कि अब ये बोलिंग में भी कम करने को देखेंगे सो लेट्स सी कितने ओव डालते हैं बट जो भी प्री हाइप है इस टूर्नामेंट की वहां पे कोरिया एंडरसन की बोलिंग को भी मेंशन किया गया है स्मिथ पटेल जो खेल चुके हैं फॉर इंडिया अंडर नाइनटीन फॉर बाबेड और जब ये शिफ्ट हुए थे

एंड आप जैसे देख सकते हो कि मैंने अब तक सिर्फ टॉप सेवन की बात की है बट ऑलरेडी आपके पास तीन ऐसे बॉलर हैं जो आपको ऑन दर डे चार ओवर रीच निकाल के दे सकते हैं फिर चलते हैं मेन बोलिंग की तरफ हैरिस रॉफ जो राइट हैंड बैटर हैं एंड राइट आर्म फास्ट हैं डेथ बोलिंग में यॉकर्स के लिए जाने जाते हैं ये एंड फिर है आपके पास लुंगी नगिड़ी एक और डेथ बॉलर तो आई थिंक आपके पास जो डेथ बोलिंग के ऑप्शन है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सॉलिड एंड इम्प्रेसिव है ब्राउडी काउट जो एक और डेथ बोलर है मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हैं ये मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए भी खेल चुके हैं दोनों मेलबर्न साइड एंड ये एज अ लोकल प्लेयर गिने जाएंगे यहाँ पे वापस इनकी जो गुड गुडलैंथ बोलेंगे एंड यो को बोलेंगे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है एंड योर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे लियम प्लंकेट वापस इनके पास में प्लेन का साइन इसलिए नहीं है एज ये फिर से एक लोकल खिलाड़ी यहाँ पे बन चुके हैं

एक स्टार्टिंग स्पॉट में भी मुश्किल हो इनके लिए तजिंदर सिंह ढिल्लॉन भी है जिनके बारे में मैं कुछ सालों से बात कर रहा था मुश्ताक अली ट्रॉफी सैडली मुंबई के लिए पिक किए गए थे मुंबई इंडियंस बट इनकेट चाट यहाँ पे उन्हें मौका मिलता है कि नहीं काफी ऑलराउंडर्स है इस टीम के पास ऑलरेडी तो अब चलते हैं इस टीम की स्ट्रेंथ की तरफ आई थिंक बेस्ट टीम विथ द लोकल डेथ बैकअप ऑप्शन Options भी भी इनके 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 पास 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 जो 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 हैं हैं वो वो काफी impressive है।, Local talent भी जो है इनके पास, जैसे मैंने कहा ऐसे players हैं जो अपने national teams के लिए बहुत ज्यादा चुके हैं। तो अनगिनत एंड क्वालिटी डेथ बोलर यहाँ पे आपको होगी एक प्रॉब्लम क्योंकि क्वालिटी डेथ बोलर जो है इनके पास भरपूर है सो आई डोंट टू से वीकनेस खाली यही होगी कि ये जो सारे प्लेयर्स है चाहे आप कोई टॉप क्वालिटी नहीं खेले हैं। तो इनका जो गेम टाइम होगा वही एक की कंसर्न होगा साथ साथ में मुझे लग रहा है इनकी जो पावर प्ले बोलेंगे वो एक प्रॉब्लम बन सकती है कोचिंग स्टाफ इनके पास है शेन बॉटसन एज हेड कोच मैं आशा करूं कि एक आध गेम में वो भी ओपन कर लें

इनको लास्ट मिनट में करेंटलीड किया गया है पे आपको दिख रहा क्रिएटिव नहीं एज इनकी साइनिंग्स काफी लेट हुई थी तो आप देखते हैं इनकी क्या होगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग यू स्टार्ट अप टॉप जयसूर्या ये श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं कुछ गेम्स लेफ्ट हैंड बैटर है राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है फिर आप आगे चलें तो क्वीन डिकॉक है एक लेफ्ट हैंड बैटर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव खिलाड़ी है ये होंगे आपके पावर प्ले के बैंकअ विद द बैट फिर है एरिन जोन जो खेल रहे है, right है, है. जो हैं करेंटलीफाइज फॉर राइट बैटर है इन द लास्ट फ्यू मंथ साल से एंड एक के बाद के बाद एक इनकी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस आती रही है कैप्टनसी ऑप्शन ऑब्वियसली ऑलवेज एंड फिर है आपके पास यहाँ पे ऑन क्लास राइट हैंड बैटर विकेट कीपर I think इनका भी एकदम रहा है। यहां पे आप देख रहे हो तो आपके पास काफी ऐसे ऑप्शन है and जैसे ही मैंने फॉर्म की बात की आए 10 चार का जिनका रीजन फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है बट आई थिंक विथ पेस एंड विथ हिज बैटिंग आई थिंक ये काफी अच्छा काम आपको करके दे सकते हैं हरमीत सिंह जो थी ड्राफ्ट की पहली साइनिंग इनकी इन पे आप ध्यान रखिएगा आईपीएल खेल चुके हैं ये बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर है लेफ्ट आर्म स्पिनर है एंड यहाँ पे बैट के साथ भी काफी काम किया इन्होंने इन द हाउस टू ओपन इन द माइनर लीग क्रिकेट तो आई थिंक इनसे आप कुछ बातें एक्सपेक्ट कर सकते हो शुभम रंजन है जो खेल चुके हैं फॉर मुंबई फॉर महाराष्ट्र एंड राइट आर्म फास्ट मीडियम बोलिंग ऑलराउंडर है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी सिलेक्ट हुए थे एक पॉइंट बट मौका नहीं मिला था इन्हें फिर यहाँ पे आपके पास वेन पान जो आपको बैटिंग के साथ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर प्ले बोलिंग होगी इनकी की फिर आपके पास एक डेथ बोलर एंड एंड्रू टाई एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे कैमरिन गैन अब ये कौन है ये एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो यहाँ पे इम्पोर्ट हुए हैं आप बट ये भी काफी इम्प्रेसिव खिलाड़ी है अब टॉप विथ पेस अब ये एक टीम है जिनके पास लोकल ऑप्शन भी ठीक ठाक है बट यहाँ पे एक बैकअप जो होगा इनका प्रॉब्लम होगा एज एक्सेप्ट एंजेलो पर कोई भी खास नॉन ऑप्शन नहीं है आपके पास तो देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टॉप इन फॉर्म मैच विनर्स जैसे मैंने कहा बाकी टीम्स में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास गेम टाइम की इशू है बट ये जो प्लेयर्स है राजा क्लासन ये टॉप क्वालिटी क्रिकेट खेल के आ चुके हैं चाहे इंटरनेशनल का हो चाहे आईपीएल का हो बोलिंग ऑप्शन अक्रॉस द इलेवन मैंने जैसे बोलिंग इलेवन यहाँ पे स्टार्ट की एंड फॉर अ सेकेंड वील ऑल्सो ब्राउज बैक टू द इलेवन जस्ट फॉर यू टू गेट कॉन्टेक्स ऑन दैट आप यहाँ पे इलेवन देखोगे आपके पास इलेवन में ओपनिंग में एक ऑप्शन है वन डाउन पे एक ऑप्शन है टू डाउन पे एक ऑप्शन है थ्री डाउन से क्लासेंट करते हैं बड़े नहीं उनको छोड़िए दास विशान काम एक ऑप्शन है एंड फिर उसके बाद हर प्लेयर एक ऑप्शन है तो यहाँ पे आपके पास भरपूर ऑप्शन है ऑफ प्लेयर्स कैन बोल ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इनके लिए एंड आई थिंक बेस्ट भी इनके पास है आपके पास थ्री टॉप क्वालिटी हैं चाहे दासुन शानगा की बात करो फॉर्म खराब है, है. है, है तो आई थिंक इनकी जो बैटिंग होगी विल बी वॉन्ट टू वॉच आउट फॉर लैक ऑफ क्वालिटी स्पिन ऑप्शन अब आप कहोगे की हरमीत सिंह है इनके पास सिकंदर राजा है इनके पास बट क्या इनके पास ऐसा कोई स्पिनर है जो टॉप टॉप लेवल पे इम्प्रेसिव रहे थ्रू आउटर के आ रहा है तो ये होगा इनके लिए एक मे बी दैट बैक सेवीण आमले उज दच ये डेली के बैटिंग कोच है रॉस टेलर जो है इनके बैटिंग कोच ऑब्वियसली अभी भी चाहें तो आके खेल सकते हैं एंड यू है इनके बोलिंग कोच तो ये रहे सारे के सारे टीम्स ये रहे उनके प्रिव्यूज आई होप आप सबको ये तो ये रहे सारे के सारे टीम्स उनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन स्क्वाड स्ट्रेंथ वीकनेसेस कोचिंग स्टाफ ऑल दैट एंड मोर आई होप आप सबको ये स्पेसिफिक रिव्यू पसंद आया हो एंड अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए ऑन द स्पेसिफिक टूर्नामेंट ऑन स्पेसिफिक प्लेयर्स जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हो कि मैं कौन सी टीम को अगले नेक्स्ट में प्रिव्यू करूँ एंड उसके अलावा ऑलवेज रिमेबर टू हिट द लाइक बटन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एंड जल्द ही मिलेंगे एक और प्रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑलवेज ट्यूनिंग इन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का